नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफी बच्चे यूपी पुलिस जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, 55 पोस्ट इसमें आने वाली है, इसके बारे में पूछ रहे थे कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, इन सब के बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप सभी लोग, जितने लोग कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है, परीक्षा प्लस के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच चलाया जा रहा है, तो आप परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। बाकी जो प्रोग्रामर के लिए इंक्वायरी कर रहे थे, तो ये इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि प्रोग्रामर के लिए इंटरेस्टेड है कि सर मटेरियल कहां से मिले, कहां से हम पढ़ें, तो जो भी उचित गाइडेंस होगा, अगर बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो उसके अकॉर्डिंग में जो भी स्टेप होगा वो जरूर आपके ही हित में मैं लूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा सर कि हमें प्रोग्रामर के लिए आप एक बार दिशा निर्देश दे दें, गाइडेंस दे दें कि कैसे हम पढ़ाई करें। तो आपके जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, इन सब पे हमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात कि जो ये प्रोग्रामर ग्रेड टू की वैकेंसी है, इसमें पोस्ट तो कम होता है लेकिन सैलरी बहुत आपको अच्छी मिलती है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये ग्रेड पे जो है, इसकी देखिए, इसकी जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है। अब 4600 ग्रेड पे की जॉब है मतलब बेसिक आपका जो बनेगा वो 34800, और इस पे आपका जो डीए इस समय 42% है, तो ऑन अप्रोक्स 14000 के अप्रोक्स आपका डीए हो गया। अब ओवरऑल आपका, अगर मैं बोलूं, इन हैंड आपकी जो सैलरी बनेगी वो 62K के आसपास बनेगी। 62000 सैलरी आपको यहां पर प्रोग्रामर ग्रेड टू की होगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा फिजिकल उजिकल नहीं मांगता है, ठीक है। क्या है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो जान लीजिए, और एग्जाम पैटर्न वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेड टू के लिए, तो ये आपके नोटिफिकेशन से मैं ही ले आया हूं, जो इस पहले 2013 में एक नोटिफिकेशन आया था उसी से मैंने ये कट करके आपको दिया हूं। यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि आपकी जो शैक्षिक अर्हता है ग्रेड टू के लिए प्रोग्रामर, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता, एवं उसके बाद क्या बोला, इसके साथ और क्या होना चाहिए, स्नातक के साथ साथ आपके पास भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिट इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन दो एक विभाग से कंप्यूटर में ए लेवल, ओ लेवल नहीं, ए लेवल कि परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब ए के लेवल के इक्विवेलेंट जो भी आपने एग्जाम दिया हो वो ए लेवल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओ लेवल आपका ऑपरेटर में मांगता है और प्रोग्रामर ग्रेड टू में आपका ए लेवल मांगता है। अगर आप कोई सिंपल ग्रेजुएशन हो उसके साथ आपने डोएक से ए लेवल का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल होंगे ग्रेड टू के लिए प्रोग्रामर के लिए। उसके बाद से बोला अगर ये नहीं होता है तो और क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से विज्ञान स्नातक, जैसे कंप्यूटर विज्ञान में, या विज्ञान स्नातक सूचना प्रौद्योगिकी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे होता है ना बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, तो उसमें उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, और साथ में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इसके साथ ही आपको क्या हो कि जो कंप्यूटर विज्ञान हो उसमें आपका पीजीडीसीए टाइप का हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपका कंप्यूटर में, यह भी होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है, बीटेक नहीं, ग्रेजुएशन बोला है, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस होता है, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इनके साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर चाहिए या उसके समकक्ष कोई आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किए हैं तो आपका मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आवेदन करते समय अभ्यर्थी के अपेक्षाकृत शिक्षक अर्हता अवश्य धारित करने चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की प्रमाणिकता और समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है
कि क्या वो बच्चे एलिजिबल होंगे जो बीटेक किए हैं। ठीक है, बीटेक वाले क्या एलिजिबल होंगे। यहां पर आप देखो कि भारत की विधि द्वारा बोला ना, स्नातक की उपाधि अर्हता एवं उसके साथ डोएक या ए लेवल के समकक्ष जो हो, तो ओ ए लेवल के समकक्ष आपकी अर्हता क्या होती है ये ध्यान रखिएगा। अब बीटेक वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, सीएसआईटी वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, यहां पर ये सबसे बड़ी बात है ना। तो ये मैं आपको कंफर्म करूंगा कि सीएसआईटी वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। वो देखो जो बीटेक होता है वो कहीं ना कहीं ओ लेवल के ऊपर का कोर्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओ लेवल के ऊपर का कोर्स होता है। तो यहां बीटेक जो सीएस और आईटी ब्रांच होगा ये एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे आते हैं। अभी ये 2013 के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था। एज लिमिट पे आते हैं। एज लिमिट क्या है, प्रोग्रामर ग्रेड टू के पद के लिए जो एज लिमिट है वो एक तरह से बोला जाए 21 वर्ष तो आपका होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, और 21 से मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, आपका 21 से लेकर मैक्सिमम आपका यहां पर एज देखो 1 जुलाई 2023 तक 21 वर्ष न्यूनतम आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम आपका 30 वर्ष। ठीक है, यही आपका एज लिया जाता है, बाकी वो तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है तो उससे हमें उतना मतलब नहीं है। कब काउंट किया करेगा वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा, ऑलमोस्ट जून या जुलाई वाला जो भी प्रोसीजर चलता है उसी के अकॉर्डिंग वो काउंट करता है लास्ट वाले डेट पे। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले जो होगा वो रिटेन एग्जाम होगा और हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम होगा, और इस एग्जाम का जो 200 अंक का होगा, टोटल कितने होगा 200 अंक का होगा, इसमें आपका जो मानसिक सामर्थ्य और तर्क शक्ति है मतलब टोटल रीजनिंग जिसकी बात करें, रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा 1.25 मार्क का होगा मतलब 50 नंबर का ये होगा। उसके बाद से जैसे ऑपरेटर में जो दूसरा होता है पार्ट ए पार्ट बी रहता है, इसमें पार्ट ए जो होता है इसमें आपका दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए में जैसे एक आपका रीजनिंग हो गया, दूसरा जो हो गया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपका 40 क्वेश्चन होगा, 1.25 मार्क्स का होगा, तो ये भी 50 नंबर का हो गया। अब उसके बाद से जो दूसरा भाग होता है सिर्फ प्रोग्रामिंग का होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सब इसमें पूछा जाता है। उसके बाद से सर्वर प्रोग्रामिंग, टीसीपी आईपी मॉडल प्रोग्रामिंग, ये सब पूछा जाता है। तो ये टोटल आपका यहां पर जो होता है ये 80 प्रश्न होता है, तो 80 × 1.5 करोगे तो 100 नंबर। तो अगर कंप्यूटर का वेटेज देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका डाटाबेस आ जाएगा, आपका एक तरह से बोला जाए कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ जाएगा, एल्गोरिदम आ जाएगा, नंबर सिस्टम आ जाएगा, बोलियन अलजेब्रा आ जाएगा, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाती है। तो कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा हुआ, कितना क्वेश्चन का हुआ, क्वेश्चन का हुआ 80 + 40, 120 प्रश्न यहां सिर्फ सीधे सीधे अगर बोला जाए तो कंप्यूटर के आ रहे हैं प्रोग्रामर में, लेकिन ऑपरेटर वाले में यही थोड़ा कम हो जाता है, सिर्फ 80 क्वेश्चन आपके रहते हैं कंप्यूटर से, लेकिन सिलेबस भी उसका कम होता है, सिलेबस इतना ब्रॉड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 40% आपको अंक चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो था वो 40% था, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, यूपीपीआरपीबी में रहता ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मैंने एग्जाम बता दिया कि आपके एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, दो पार्ट में पेपर डिवाइड रहेगा, पहले पार्ट में आपका रीजनिंग रहेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, और दूसरे पार्ट में आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रहेगा, मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड उसी के कॉन्सेप्ट, उसी का प्रोग्राम, उसी का आउटपुट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके यहां पर मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूं, ये रीजनिंग का सिलेबस है, लॉजिक, इसमें आपका मानसिक अभिरुचि नहीं आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ चाहे प्रोग्रामर हुआ, इसमें मानसिक अभिरुचि नहीं आता है, इसमें पूरा का पूरा रीजनिंग रहता है। तो ये 40 प्रश्न में लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशन, आपका कोडिफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, ठीक है, लेटर टू नंबर सीरीज, वर्ड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर नंबर कोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट के क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग इंप्लाइड मीनिंग्स, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस मतलब वही क्लासिफिकेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन मतलब आपका डायग्राम से बेसिस क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रहेगा, एनालिसिस एंड जजमेंट, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आप उसे एनालाइज करो और फिर अपने कंक्लूजन है वो सुनाओ, इस टाइप का डिसीजन मेकिंग आपका क्वेश्चन, मैंने विजुअल मेमोरी हो गया, डिसीजन मेकिंग में एक
बोल देता है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन दे देता है कि किसी जगह रिक्रूटमेंट होता है इसके ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप बताइए इस बंदे का सिलेक्शन होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो इसको कहां भेजा जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। विजुअल मेमोरी आपके मैक्सिमम फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वही क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप यहां पे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक रीजनिंग आपका जनरल अर्थमेटिक से क्वेश्चन कुछ पूछता है, ठीक है, कि मान लो जैसे अर्थमेटिक रीजनिंग में वही मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, उसके बाद से जनरल परसेंटेज की या रेशियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन या एज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यहां पर पूछ लेता है। वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गया, एबिलिटी टू डील एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप, अर्थमेटिक कॉम्प्यूटेशंस एंड एनालिटिकल फंक्शन, ये सब आपके रीजनिंग के सिलेबस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, जो 40 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, वो डिजिटल लॉजिक, पहले आपको डिजिटल जो है सब्जेक्ट वो पढ़ना होगा। डिजिटल में लॉजिक में क्या क्या, जैसे लॉजिकल फंक्शन हो गया, मिनिमाइजेशन हो गया, डिजाइन सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल सर्किट हो गया, नंबर रिप्रेजेंटेशन में आपका वही आ जाएगा, एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये डिजिटल आपको पूरा डिजिटल कंप्यूटर एक तरह से पढ़ना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है आपको, इसमें आपको ALU के बारे में पढ़ना है, CPU में कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ना है, पूरी इंटरफेसिंग पढ़ना है, जो चीज आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इंटरफेस पढ़ना है, मेमोरी एड्रेसिंग मोड आपको सब पढ़ना है, कैसे एंड मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इंटरप्ट और DMA मोड आप पढ़ना है, जब प्रोसेसर आपका दो मोड में काम करता है, इंटरप्ट हो गया, DMA मोड हो गया, डायरेक्ट मेमोरी SS, और यहां पर इंटरप्ट वो होता है जब किसी कोई प्रोसेस चल रहा है, इंटरप्ट हम पढ़ते हैं, उसमें कई प्रकार के इंटरप्ट होते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट होता है, अगर कोई प्रोसेस बहुत हाई प्रायोरिटी का आ गया तो बाकी को रोक के उसको करना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं ये एडवांस लेवल की हैं, जो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में आप पढ़ते हो, जब उस जैसे मान लो ए लेवल कर लिए हो, चाहे बीटेक CSIT हो, चाहे आप ए लेवल DOEX से किए हो, तो इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये चीजें दी गई हैं। फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की बात किया गया, तो यहां से तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में यहां कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। प्रोग्रामिंग इन सी, फंक्शंस क्या होते हैं, रिकर्सन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप क्या होता है, बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, एरेज क्या है, स्टैक क्या है, क्यूज क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ट्री क्या है, बाइनरी ट्री, सर्च जो होगा उस सर्च ट्री, बाइनरी हीप, ये सब आपको कहीं ना कहीं ये इसके कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, कैसे सर्चिंग होती है, सॉर्टिंग कैसे होती है, ये सब चीजें, लिंक लिस्ट में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं। फिर एल्गोरिदम की बात करें तो एनालिसिस, एसिम्प्टिक नोटेशन, नोटेशंस ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपको कोई भी एल्गोरिदम दे दिया जाएगा प्रोग्राम का, उससे आपके कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे पूछे जाएंगे, ये न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन होता है। वर्स्ट एंड एवरेज केस ऑफ एनालिसिस, डिजाइन ग्रेडियंट अप्रोच ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ट्री एंड ग्राफ ट्रेवर्सल्स, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ आपको, हैशिंग आपसे पूछा जाता है, ठीक है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, एजम्प्टिव एनालिसिस पूछा जाता है, अपर एंड लोअर बाउंड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, क्लास पी, एनपी, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट, जो पढ़े होंगे उन्हीं को ये सब समझ में भी आ रहा होगा सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस आपका जनरल सिलेबस नहीं है, ये आपके ग्रेजुएशन बेस्ड सिलेबस है। तो ये ऐसा कोई सोचे कि बच्चा की जनरली हम बिना पढ़े कोई डिग्री ले लिए हैं और ये कर ले जाओगे तो मुश्किल है आपके लिए, जब आप टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ पाओगे तो फिर कहां से आप एग्जाम पास कर पाओगे। और कंपाइलर डिजाइन, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं और उसका आउटपुट निकालना होता है, कंपाइलर डिजाइन की बात करें तो यहां पर लेक्सिकल एनालिसिस आता है, पार्सिंग आता है, सिंटेक्स डायरेक्टेड बाय ट्रांसलेशन आता है, रन टाइम एनवायरमेंट आता है, इंटरमीडिएट एंड टारगेट कोड जनरेशन, बेसिक कोड ऑप्टिमाइजेशन आता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये जनरल है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल, थोड़ा सा डीप में आप पढ़ोगे तो वही चीज हो गया, आपको विंडोज, यूनिक्स, कमांड के बारे में पढ़ना है, थ्रेड्स के बारे में पढ़ना है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक की स्थिति पढ़ना है, जब एक साथ कई प्रोसेस हो जाते हैं और रिसोर्स को सभी जो प्रोसेस होते हैं वो हैंडल करके रखते हैं और छोड़ते नहीं है तो डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। CPU शेड्यूलिंग हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ये सब फंक्शन है,
ओएस का, तो वो पढ़ना है सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये आपका एकदम कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में ये पूरा आपको पढ़ाया है, और है तो उसमें थोड़ा कम ही, लेकिन पूरा इसी लेवल तक पढ़ाया है, पूरा मेमोरी मैनेजमेंट, आपको शेड्यूलिंग किस प्रकार से होती है, उसके न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के, वो सब मैंने आपको बता रखा है। तो वो जो टॉपिक है ओएस, वो प्रोग्रामर लेवल तक मैंने पढ़ाया है। बाकी इसमें और भी हायर लेवल के वो है, जैसे मैंने बताया कि जो यहां पर आपने कंपाइलर डिजाइन, ये चीजें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं मिलता है, ये प्रोग्रामर में ही मिलता है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं वर्कप्लेस एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, ये आपका जनरल है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग टूल एमएस वर्ड के बारे में हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स या एक्सेल के बारे में हो गया, तो ये भी जनरल चीजें हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बारे में हो गया, यहां पे बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस, ठीक है। अब यहां पे ये शब्द जब लिख देता है ना, तो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज लिब्रा ऑफिस के बारे में भी होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहां पर लिख देता, क्योंकि और भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का नॉलेज रखो, बेसिक सा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। बाकी आपको एग्जीक्यूटिव नॉलेज यहां पर इसका होना चाहिए, किसका, वर्ड एक्सेल का, और भी किसके, ऑफिस के। फिर ओपन ऑफिस के बारे में बात किया है, यूजिंग दिस टूल इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज, विंडो, यूनिक्स एंड यूनिकोड फॉन्ट के बारे में, एक्सचेंज ऑफ फाइल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, ये सब आपको पढ़ना है। फिर डेटाबेस में आ जाएंगे, डीबीएमएस पढ़ेंगे, एमएसएसएस नहीं बोला है यहां पर, देखना यहां पे एमएसएसएस नहीं बोला, ये डेटाबेस बोला है। अब डेटाबेस में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसमें पूरा एसक्यूएल के कमांड हमें पढ़ना होता है, उसके बाद से फॉक्स प्रो जो होता है उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फॉक्स प्रो, ओरेकल के कमांड हमें देखना होता है, तो ये सब आपके कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये बेसिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो इसमें ईआर मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या है, सिक्वेंशियल मॉडल क्या है, ये हम डेटाबेस के मॉडल्स को पढ़ते हैं, डेटाबेस का डिजाइन पढ़ते हैं, उसमें हम लोग देखो क्वेरी लैंग्वेज है ना, इसको पढ़ेंगे, फिर सिक्वेंशियल फाइल इंडेक्सिंग क्या होता है, बी ट्री, बी प्लस ट्री, ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, ये सब हम लोग डेटाबेस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी आपके थोड़ा आपके ग्रेजुएशन बेस्ड है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिक्रूटमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, कैसे डेटा आपका जो है कंप्यूटर में जो फ्लो करता है, कैसे कैसे आपका इनपुट दिया जाता है, फिर वो प्रोसेस होने में जाता है, उसमें जो भी प्रक्रिया होती है रेडी स्टेट से लेकर प्रोसेस स्टेट में जाने में टर्मिनेशन तक, ये सब आप डेटा फ्लो डायग्राम से, प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन, एक तरह से अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब हम पढ़ते हैं ना उसी में ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये पार्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट वाला जब पार्ट करेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों मिलाकर कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलाकर, ये इतना पार्ट डेटा फ्लो, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इनपुट आउटपुट डिजाइन, प्रोसेस लाइफ साइकिल, ये सब आपका कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाता हूं इसको डिप में, तो मैं आपको सीए और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ये बता देता हूं, और ये मैंने ऑलरेडी मतलब जो ऑपरेटर वाला बैच है उसमें बताया। प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, ये आपका अलग हो जाता है थोड़ा सा, अभी तक इतना जहां तक देखे ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, जैसे जो कोडिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसके टेस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हमें ढूंढना होता है कि प्रोग्राम में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए, ज्यादा बड़ा ना प्रोग्राम हो, ये सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क भी बेसिक सा है, मतलब ऑलमोस्ट जो ऑपरेटर का बोल सकते हो वैसे ही यहां पर भी है। ISO और OSI स्टैक, लैंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ना है, राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ना है यहां पर, तो ये थोड़ा सा अलग होता है। कंजेशन कंट्रोल कैसे करते हैं, तो इसके भी कई मेथड होते हैं, जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है आपके एक पाथ में तो कंजेशन होने लगता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके भी कई डिफरेंट तरीके होते हैं, तो ये नेटवर्क में और डीप जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद से टीसीपी यूडीपी एंड सॉकेट्स, IPv4 एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जितने होंगे सभी सातों लेयर के बारे में हम लोग OSI मॉडल जब पढ़ेंगे तो सातों लेयर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हर लेयर में जो जो प्रोटोकॉल काम करता है और जो जो इक्विपमेंट काम करते हैं उसके बारे में भी हमें डिटेल नॉलेज, उनके पोर्ट्स नंबर के बारे में भी होना चाहिए कि क्योंकि पोर्ट्स नंबर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है। बेसिक कॉन्सेप्ट हब के बारे में, स्विच के बारे में, गेटवे, राउटर, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये जनरल सी चीजें हैं। तो थोड़ा सा आपको कुछ डीप जाना है, जैसे अब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल और उसके नंबर, ये डीप हो गया। राउटिंग एल्गोरिथम, कंजेशन कंट्रोल और फ्लो एंड एरर टेक्निक्स, ये डीप पार्ट है और बाकी नीचे वाले आपके ऊपर ऊपर वाले जनरल पार्ट है जो किसी भी एग्जाम में पूछी जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक की और प्राइवेट की, जब डेटा को इंक्रिप्ट करना होता है, डेटा को हम जब भेजते हैं ना नेटवर्क में तो डेटा वैसे तो भेज नहीं देते हैं हम, उसको पहले क्या करते हैं कोडेड फॉर्म में भेजते हैं कि कोई रास्ते में उसको चुरा ना ले, इसलिए जहां इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है वहां पब्लिक और प्राइवेट की का यूज होता है, तो ये भी वहां पर पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी लेयर में ही हम लोग देखेंगे। फिर डिजिटल सिग्नेचर और फायरवॉल के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो वेब टेक्नोलॉजी पर है, इसमें HTML, XML, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटिंग, इसमें बेसिक सा होता है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होता है। अब यहां से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला जो 80 क्वेश्चन है उसका सिलेबस है, क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, ट्रेंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो जानना है, किस जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज आया उसको जानना है, क्योंकि आपसे पूछ देगा C++ या C किस जनरेशन का है, पाइथन किस जनरेशन का है, रूबी किस जनरेशन का है, पर्ल किस जनरेशन का है, C# किस जनरेशन का है। तो ये सब आपको थोड़ा सा एक तरह से बोला जाए फैक्ट याद होने चाहिए इस वाले पार्ट में, ठीक है, लैंग्वेज की हिस्ट्री पे हमें जाना है एक तरह से। उसके बाद से यहां से स्टार्ट होता है आपका पूरा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यह आता है सी लैंग्वेज के बारे में, तो सी की जितनी भी चीजें हैं उसका डेटा टाइप हो गया, फंक्शन हो गया, प्रोग्राम भी आपको बेसिक आने चाहिए, जैसे रिकर्सन्स के प्रोग्राम हो गए, डेटा कॉल बाय फंक्शन, कॉल बाय रिफरेंस वैल्यू से हो गया, कॉल यूनियन हो गया, पॉइंटर हो गया, स्टोरेज क्लास कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिंक लिस्ट, यहाँ आपका डाटा स्ट्रक्चर भी आ गया कि हम सी, क्योंकि सी से ही आपका डेटा स्ट्रक्चर लिंक होता है, तो उससे हम लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे। पैरामीटर पासिंग, मतलब जब हम डेटा को पास करते हैं, ठीक है, एक तरह से कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो आपका पैरामीटर पासिंग में आ जाएगा। स्कोप क्या होता है किसी भी डेटा टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री। अब यहां पे हमें प्रोग्रामिंग देखना है, क्योंकि यही चीज आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी देखा था, वहां उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं, जैसे आपका डाटा इनकैप्सुलेशन पूछ दे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पूछ दे, तो ये आपका हायर लेवल ऑप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ऑप्स के कॉन्सेप्ट आपको ऊपर वाले में पढ़ना है और उसके प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन आपको यहां पर करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग है, यहां से क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए यहां पर उसी से रिलेटेड, जैसे मान लो पैरामीटर पासिंग है तो आपसे पूछ देगा कि कौन सी वैल्यू यहां पर पास होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। फिर C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहां पर देखिए C++ आ गया, तो यहां पर अब ऑप्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो यहां पर ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट एंड डायनेमिक मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग, सिस्टम ऑब्जेक्ट डिजाइन, कंपैरिजन ऑफ एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी, प्रोग्रामिंग स्टाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिलेशन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डायग्राम कंपाइलर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन सिस्टम, एंड ओवरव्यू ऑफ सी, ओरिजिन ऑफ C++ क्या है, क्लासेस क्या है। देखिए ये चीज नया है C++ में, इतनी चीजें आपको नया पढ़ना है, ये आपके C++ में आप जो पढ़े हो ये जो बेसिक सा एक तरह से बोला जाए उसमें डीप चीज है और ये बेसिक है C++ का। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, ये आपको जब प्रोग्राम बनाते हो तब ये यूज होता है, ठीक है। रेफरेंसेस क्या है, फंक्शन, ऑपरेटर, ऑपरेटर में भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर का इनहेरिटेंस क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म इसका डेफिनेशन पूछ लेता है क्या होता है। C++ में इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक फाइल सिस्टम आपको पढ़ना है, ये डीप हो गया, आपको फाइल बनाना है, फाइल को कैसे रखना है, फाइल में डेटा कैसे हैंडल करते हैं, ये सब आपको C++ का यूज करके प्रोग्राम बनाना होगा और उसके आउटपुट निकालना आपको जानना होगा। फिर फाइल हैंडलिंग आपको करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग एक्सेप्शन ऑफ हैंडलिंग, तो ये सब चीजें आपको C++ में।
जावा जो है, जावा एप्लेट्स जो सर्वर में यूज होता है, सर्वर के प्रोग्रामिंग में यूज होता है जावा एप्लेट्स, ग्राफिक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में, एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें भी जावा में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल की सीखनी है आपको, थ्रेड्स जावा बेसिक, जावा की कोडिंग कन्वर्सेशन कन्वेंशन, जावा एपीआई, एपीआई गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं पैरेलल कंप्यूटिंग में आ जाओगे, ये भी जावा से ही रिलेटेड टॉपिक है। एमपीआई, ओपन एमपी, थ्रेड्स, जावा स्क्रिप्ट, इफ एंड इफ एल्स फंक्शन, स्विच स्टेटमेंट, लूप के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, बटन हमें बनाना सीखना है इसमें जावा के हिसाब से, जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पढ़ना है। अब यहां पे जावा स्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स फंक्शन हमें पढ़ने हैं, जावा पढ़ लिए और जावा स्क्रिप्ट के जो आपके एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसके कुछ फंक्शन पढ़ने हैं, फिर हमें इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग पढ़नी है। वहां पे आपने इंटरनेट नेटवर्क पढ़ा था, कंप्यूटर नेटवर्क, अब यहां पर प्रोग्रामिंग में हम लोग इंटरनेट और वेब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो यहां पर फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट प्रोग्रामिंग, ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट प्रोग्रामिंग जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मॉडल कैसे बनाया, किस प्रोग्राम से, लैन टोपोलॉजीज के बारे में, तो ये जनरल टोपोलॉजी हो गया, इंटरनेट वर्किंग, आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम, कैसे इंटरनेट एड्रेस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है, वो सब चीजें हमें देखना है। डोमेन नेम, क्लाइंट नेम, सर्वर मॉडल क्या होता है, फिर www डिजाइन इशू क्या क्या होते हैं, इसकी सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, डेवलपिंग इंटरनेट एप्लीकेशन मतलब वही आईपी, ठीक है, जावा एंड इंटरनेट, जावा डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, विजुअल सी प्लस प्लस का देखना है, टूल्स ऑफ इंटरनेट, डेस्कटॉप, एक्सटेंडिंग जावा यूजिंग एक्टिव एक्स, सीजीआई इंटरनेट एप्लीकेशन, पर्ल, ये लैंग्वेज है, पर्ल एंड इंटरनेट, पर्ल इन इंटरनेट एप्लीकेशन, पर्ल का यूज इंटरनेट एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंप्लीमेंटेशन यूजिंग विंडो 32 बिट, इंटरनेट, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज, इंटरनेट मार्कअप लैंग्वेज, HTML पढ़ना है हमें, जिसमें हम HTMP और HTML को देखेंगे, नेटस्केप एक्सटेंशन, ये एक ब्राउजर होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट ओनली HTML, टेक्स्ट शॉकवेव एंड लिंगो, क्रिएटिंग एक्टिव एक्स कंट्रोल टू एक्टिव वेब पेज, क्रिएटिंग नेटस्केप नेविगेटर, पुलिंग वेब इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग कस्टम इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन एंड रियल ऑडियो, ये आपका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डीप है जो इंटरनेट वाला है, ठीक है, ये टॉपिक आपका अच्छा खासा आपके जो ग्रेजुएशन लेवल तक अच्छे से पूछता है, इसमें थ्योरी भी पूछता है और आपका प्रोग्राम भी पूछता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको इसके सिलेबस पर मैंने डिस्कस कर दिया कि सिलेबस कुछ ऐसा है जो कुछ ही टॉपिक आपके ऑपरेटर से मिलता है, बाकी पूरा टोटली डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सोचे कि नहीं मैं ऑपरेटर का भी साथ साथ तैयारी कर रहा हूं और प्रोग्रामर ग्रेड टू का भी मैं कर लूंगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा, तब आप किसी एक पर ही फोकस होइएगा, आपके पास दोनों की आहारता है तो आप किसी एक पर फोकस होइएगा अगर जॉब लेना है, नहीं तो फिर दोनों के लिए आप रह जाएंगे, इसलिए क्योंकि सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपका ग्रेजुएशन से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, आप कई साल हो चुके हैं, आपने छोड़ रखा है प्रोग्रामिंग करना ही छोड़ रखा है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट समझना, और ज्यादा समय मिलता नहीं है, क्योंकि जो ये सिलेबस दिया है तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें इसको, अगर सबको अगर मैं इनिशियल से बताऊं ना, तो इसको पढ़ाने में कम से कम आपको 1.5 साल लग जाएंगे। तो जो बच्चा कुछ इसका बेसिक जाना रहेगा, जो नहीं जाना है, जो भूल गया सब कुछ, तो उसके लिए 1.5 साल, जो जान रहा है उसके लिए कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो यही मैंने बोला कि जिन बच्चे को अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है और उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, वो कहीं ना कहीं इस पर उनका बेस बना हुआ है और वो चाहते हैं कि सर मैं कैसे इसकी तैयारी करूं, तो उनके लिए मैं एक प्रॉपर गाइड कर सकता हूं कि कहां से सोर्स आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट में आपको कोई सोर्स नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको सोर्स अवेलेबिलिटी बता सकता हूं कि यहां से इस चीज को फॉलो करो, इस वेबसाइट को, जो भी होगा मैं एक प्रॉपर आपको सोर्स बता सकता हूं, बाकी आपके जो जैसे बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग जैसा भी होगा मैं बाद में भी डिसीजन लूंगा कि क्या आपके साथ मैं क्या कर सकता हूं, प्रोग्रामिंग की कुछ क्लासेस या कुछ भी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं जो ज्यादा आपको दिक्कत दे, वो आपके लिए मैं करा सकता हूं, ठीक है।
बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो तैयारी कर रहा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निश्चिंत रहिए, उसका पूरा एक बैच मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूं और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्यूटर स्पेशल क्लासेस जो काफी डीप में चलेंगी वो आपका कहीं ना कहीं उसके नोटिफिकेशन आने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो जो लोग भी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करना चाहते हैं, ये कंफर्म तो हो ही चुका है कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप सभी परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां से बैच से जुड़ जाइए। फायदा ये रहेगा कि अगर आप इंतजार कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा फिर तो सर बैच चलाएंगे, मेरा उस समय मकसद जो रहेगा ना वो ये रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बच्चे एनरोल्ड हैं, मैं सोचूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, जितना प्रैक्टिस करा दूंगा उतना ही उनके लिए परफेक्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में आप अगर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को आप देखोगे, क्योंकि थ्योरी आप उतना चीजों को नहीं अच्छे से कलेक्ट कर पाते हो, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आप अच्छे से चीजों को समझ जाते हो कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो वो प्रैक्टिस पर मेरा ज्यादा मोड रहेगा। तो वो प्रैक्टिस में आप एक बार अगर पढ़ लिए हो ऑलरेडी, अगर अभी से ज्वाइन कर लेते हो तो आप पूरा का पूरा कवर कर लोगे तो आपका बेस बन जाएगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा फिर से उसको डबल दोबारा तो वो चीजें रिवाइज होती रहेंगी, प्लस आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका एकदम भूलने वाला नहीं है, और जब पेपर आएगा तो आप अपना 100% दे सकोगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो जो भी दिक्कत कोई समस्या है कोई परेशानी है आप लोगों को, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड हो, चाहे प्रोग्रामर ग्रेड टू से जो भी दिक्कतें हैं, चाहे उसके एजुकेशन या क्वालिफिकेशन से जो भी दिक्कत है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।